Hi everyone, good afternoon, welcome to Unacademy Neet guys. Hi guys, hi, good afternoon. कैसे हैं सब बच्चे? How is everyone doing? Finally I am live. आज दिख रहा है, सुन रहा है ना, आवाज़ भी आ रही है, सब हो रहा है. Hi, hi, hi बच्चों. How is the Josh today? Good afternoon guys, namaste. Welcome to Unacademy Neet and welcome to this amazing platform. जिसमें बेटा हम बनाने जा रहे हैं आपको क्या मेधावी. ठीक है, मेधावी बनने के लिए माधवी मेधवी सब आ चुके हैं क्लास में, आई होप, है ना. जितने भी माधवीज हैं, जितने भी मेधवीज हैं, दे ऑल हैव अराइव नाउ टू बिकम मेधावी. एंड यस, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी, वी ऑल टुगेदर. आपकी एवरीडे क्लासेस हो रही हैं एंड एक जो कमिटमेंट है हमारा आपके साथ कि यार नीट 2022 वाले बच्चे हमसे खाली नहीं जाएंगे. हमने जिस तरीके से 2021 की मदद की है इतना समय लगा के, तो 2022 का हैंड होल्ड करके बेटा आगे तक छोड़ के जाएंगे. यस, चलिए आ जाइए. चलिए, तो जो बच्चे मैम को नहीं जानते हैं, माई नेम इज सी पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट विद अन अकेडमी नीट. आप एवरीडे मेरे सेशंस देखते हो. कितने बजे देखो, टाइमिंग्स मैम के फिक्स हैं. क्या टाइमिंग्स है बेटा अपना? 3 PM स्पेसिफिकली सोच के आपके लिए टाइमिंग्स रखे गए हैं ताकि आप लोग अपना स्कूल आराम से निपटा के आ जाएं 1-2 बजे, मैक्सिमम 3 बजे तक तो स्कूल ख़त्म ही हो जाता है. सो यू कैन अटेंड दिस सेशन लाइव एंड यू कैन आस्क. अगर देखिए, यही अंतर होता है एक YouTube क्लास में और एक दूसरे क्लास में. बहुत सारे बच्चों के डाउट्स कभी मेरे मिस भी हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि जिसका मुझे दिख जाए उसका डेफिनेटली सॉल्व करूँ. एंड यस, आप मेरे साथ साथ पूरी टीम के साथ जुड़ी रही है जो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपके साथ लगी हुई है. सारे सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं एंड दैट टू विल विथ फुल एफिशिएंसी. कल हमने क्या डिस्कस किया था? येस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड अबाउट. हाँ जी, क्या डिस्कस किया था? यस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, बताइए. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू. मैंने आपको बताया था देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, है ना. 4 तरीके के एनिमल टिश्यू हैं. पहले का नाम क्या है? फर्स्ट वन वॉज एपिथेलियल, है ना, जो हमने कल डिस्कस कर लिया था, एंडिंग विद द जंक्शंस, एपिथेलियल टिश्यू. साथ में बेटा हमने क्या डिस्कस किया? कनेक्टिव टिश्यू आज हम करने वाले. कल हम क्या करेंगे? मस्कुलर और नर्वस टिश्यू. तो आज जिसकी टर्न है दैट इज गोइंग टू बी द कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और सबसे अबंडेंट टिश्यू है बेटा. बहुत सारे टाइप्स हैं इसमें, थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, निपटा लेंगे, है ना. बाकी बेटा आप हमारे साथ अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं. सब्सक्रिप्शन का मतलब है यू कैन गो फॉर आइदर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें बेटा क्लासेस का आप लेवल देख सकते हैं. इस तरीके से आपको क्लासेस का इंटरफेस दिखता है. यू कैन आस्क एज मेनी एज डाउट इन दिस चैट विंडो, प्लस यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड. जो चीज़ आप यूट्यूब में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप हाथ खड़ा करके ऑडियो में किसी भी टीचर से बात कर सकते हैं. सो देर आर गोइंग टू बी लाइव इंटरक्टिव सेशन विद ऑल द एजुकेटर्स. लाइव पोल्स है, लीडर बोर्ड है, टेस्ट सीरीज है एंड बेटा आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है. एंड विद आइकॉनिक देयर इज प्रॉपर 1-to-1 मेंटोरशिप जो आप ले सकते हैं. टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी नीट का आपके सामने है. एंड जो बच्चे बोल रहे हैं ना पीडीएफ नहीं शेयर किया, मार खाओगे बेटा, पीडीएफ शेयर हो चुका है ना. तो आप टेलीग्राम से जाकर ये पीडीएफ ले लीजिए. कल मैंने क्लास के जस्ट बाद शेयर कर दिया था, ठीक. हाँ जी, ओके. सो यू कैन गो फॉर प्लस एज वेल एज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. कोड आपके सामने है, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइफ, ठीक है. तो ये कोड लगाकर आप एनरोल कर सकते हैं. फायदा क्या होगा बेटा? मेंटोरशिप के लिए आपके सामने आइकॉनिक में मिलती है 1-to-1 मेंटोरशिप एंड उस मेंटोरशिप के लिए बेटा दिस इज रिक्वायर्ड एंड इट विल गिव यू मॉनिटरी बेनिफिट्स एज वेल, ठीक है. बाकी अगर कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है देन अनअकैडमी ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लोन फैसिलिटी. यू कैन गिव अ कॉल ऑन दिस नंबर एंड एक लिंक भी दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें आप हमें बता सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है फाइनेंशियली, ठीक है. बाकी यू कैन गो फॉर आइकॉनिक एज वेल. आइकॉनिक में आपको हार्ड कॉपी ऑफ द नोट्स मिलता है एंड साथ में 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप, राइट बेटा. चलिए स्टार्ट करें कनेक्टिव टिश्यू. शुड वी स्टार्ट? यस, एक बड़ी फेवरेट इमोजीज के साथ क्लास का शुभ आरंभ किया जाए, है ना. हाँ जी बेटा, पिंकू क्या नाम है यार? रिंकू सुना मैंने, टिंकू सुना, पिंकू आज पहली बार सुना. पिंकी से बन गया पिंकू, है ना. व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम, ठीक है. हाँ जी, चलिए आ जाइए. ओके, स्टार्टिंग विद आवर कनेक्टिव टिश्यू. नाउ कनेक्टिव टिश्यू इज द वन
जो आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। आपकी बॉडी आज इस तरीके से इसीलिए दिख रही है, आपकी बॉडी का ये जो ढांचा है, ये जो फिगर है, ये जो फिजिक है गाइस की, वो किस वजह से, आपकी कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है। सो कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली आपकी बॉडी को एक फ्रेम प्रोवाइड करता है। होता नहीं कि यार एक पेंटिंग है, पेंटिंग आपने पेज पे बनाई, वो पेज ऐसे रोल होके पड़ा है, लेकिन जब तक तुम उसे फ्रेम नहीं कराओगे तब तक वो एक रेक्टेंगुलर में कैसे दिखेगा, नहीं दिख सकता ना। सेम वे आपकी बॉडी के सेल्स हैं, वो बिखरे हुए पड़े हैं, ऐसे नीचे गिरे पड़े हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। जब तक इनको इकट्ठा करके एक प्रॉपर ढांचा नहीं बनाओगे, एक फ्रेमवर्क नहीं बनाओगे, तब तक आपकी बॉडी को शेप कहाँ से मिलेगी। सो कनेक्टिव टिश्यू इज दैट टिश्यू विच एक्चुअली प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू योर बॉडी। And it is one of the most abundant, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, बिल्कुल बेटा, connective tissue is one of the most abundant connective tissue, है ना। सबसे abundant animal tissue कौन सा है? It is the most abundant animal tissue, सबसे पहली चीज। Second चीज बेटा, it provides structural framework. Structural framework to the body. It provides structural framework to the body. ठीक है, most abundant, most widely distributed. Widely distributed समझते हो, मतलब body के हर organ में आपको, चाहे वो आपकी fingers हैं, चाहे वो आपका abdomen है, thoracic है, legs हैं, four limbs हैं, hind limbs हैं, everywhere you will find this connective tissue. हर जगह आपको ये मिलेगा। अब बात करते हैं इसके origin की। जैसे कल हमने किया था epithelial का origin, जरा बताओ कहाँ से था ओरिजिन, कहाँ से एपिथेलियल का, बताइए। यस, कहाँ से ओरिजिन था, देखते हैं कौन बताएगा। यस बताइए, हाँ जी, सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ, थोड़ा सा काम करना पड़ता है यार, दिमाग खुद नहीं काम करना चाहता। दिमाग तो चाहता है मुझे सुला दो, वो तो चाहते हैं बेटा तुम पड़े रहो, सोते रहो हर टाइम, लेकिन जोर तो डालना पड़ेगा ना, जोर तो डालना पड़ेगा। यस, हाँ जी, एपिथेलियल टिश्यू वॉज द ओनली टिश्यू हैविंग ओरिजिन फ्रॉम ऑल द थ्री जर्म लेयर्स, जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों से ओरिजिन था। लेकिन ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसका ओरिजिन कहाँ से है? फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। मेसोडर्म इज द वन विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग योर कनेक्टिव टिश्यू। अब यार कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टीज क्या है, ये देख रहे हो इस तरीके से ऐसे जाल सा बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। एक चीज होती है बेटा सेल्स, है ना, ये सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में ना अकेले सेल नहीं है, सेल के आसपास का जो मटेरियल है, ये मैट्रिक्स, ये भी बहुत मैटर करता है। सेल के आसपास का ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दैट ऑल्सो डिफाइंस द कनेक्टिव टिश्यू, हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द कनेक्टिव टिश्यू। हम अलग अलग तरीके के कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि बेटा उसके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, अलग अलग तरीके का है। सो देर इज अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस विच इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस पूरे टिश्यू में हम सिर्फ सेल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम साथ में बात करेंगे कि यार इस मैट्रिक्स में क्या है, किस चीज से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से तरीके के सेल्स हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द टिश्यू, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, मोस्ट अबंडेंट है ये आपने देख लिया है, एंड इट इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर लिंकिंग एज वेल एज सपोर्टिंग। ठीक है, ओके, यस, ये एक्सेप्शन बाद में बताऊंगी। चलिए, वेरियस काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, आप देख रहे हैं आपकी स्किन के अंडर भी कनेक्टिव टिश्यू है, यू विल सी द लोकेशन अंडर योर स्किन, देन योर ब्लड इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देन कार्टिलेज, बोन, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेटा ये सारे क्या है, आपके कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन हर कनेक्टिव टिश्यू के पास तीन बेसिक कॉम्पोनेंट होते ही होते हैं। यस, देयर आर थ्री बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं बेटा बेसिक कंपोनेंट्स, टाइप्स बात करने से पहले बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के तीन बेसिक चीजें। हाँ जी, क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहले बेटा टिश्यू है, टिश्यू किससे बनता है, सेल से। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज गोइंग टू बी सेल्स, कुछ सेल्स होंगे,
अलग अलग तरीके के सेल्स होंगे। सेल्स के बाहर क्या होगा बताइए, सेल्स के बाहर अभी बताया एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा। यस, नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी योर मैट्रिक्स विच इज गोइंग टू प्रोवाइड द ग्राउंड सब्सटेंस। ये मैट्रिक्स क्या है, एक तरीके का ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द ग्राउंड सब्सटेंस। अब सेल्स हो गए, उसके आसपास का मैट्रिक्स हो गया, अब क्या उस मैट्रिक्स में सेल के अलावा कुछ और है? यस है, धागे धागे जैसा स्ट्रक्चर है। सेल्स के अलावा देयर इज समथिंग एल्स विच इज यू नो फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज सिंपली कॉल्ड एज द फाइबर्स। क्या बोलते हो इसको आप? फाइबर्स बोलते हो। तो पहली चीज के बारे में अगर बात करें, दैट इज मैट्रिक्स किससे बना होता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ म्यूको पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, इससे मैट्रिक्स बना हुआ है। और क्या है इस ग्राउंड सब्सटेंस में? हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, राइट गाइस, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूकोसामीन्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड, साथ ही में क्या प्रेजेंट होंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइट बेटा, ग्लाइकोप्रोटीन्स, इससे क्या बना होगा आपका मैट्रिक्स। अब बात करते हैं सेल्स की, कौन कौन से तरीके के सेल्स हैं बेटा। सबसे पहली चीज, तुम्हें फाइबर सिक्रीट करने हैं तो कोई ऐसा सेल होगा जो फाइबर बनाता है ना। ये सारा मैट्रिक्स ये सब सेल के द्वारा ही तो बनाया गया है, ये जितने भी फाइबर्स मैं यहाँ पर लिखूंगी वो सेल के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ऐसे कौन से सेल्स हैं जो फाइबर्स बनाते हैं? यस, दो सेल्स दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। सो फर्स्ट टाइप ऑफ सेल कौन से होंगे बेटा जी? आपके पास होंगे फाइब्रोब्लास्ट। देयर फंक्शन इज टू रिलीज द फाइबर्स, दे विल ऑल्सो सिक्रीट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स। यही सेल है बेटा जो आपका मैट्रिक्स भी सिक्रीट करेंगे मैक्सिमम अमाउंट, यही सेल है बेटा जो क्या सिक्रीट करेंगे? फाइबर्स भी सिक्रीट करेंगे, क्लियर। पहले टाइप का सेल फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज गोइंग टू बी द वन जो आपकी इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करता है, जो आपके लिए बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है। दो सेल्स आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स, दो सेल्स बेटा जी दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू फॉर्म द एंटीबॉडी, ठीक। देन डिटेल में अभी मैं इसका फंक्शन लिखवाऊंगी, पहले हम टाइप्स ऑफ सेल लिख लेते हैं उसके बाद डिटेल करेंगे। प्लाज्मा सेल के अलावा देयर आर सर्टेन अदर सेल्स, वन ऑफ देम इज फैगोसाइटिक इन नेचर विच इज कॉल्ड एज मैक्रोफाज, मैक्रोफाज। अनदर टाइप ऑफ सेल इज गोइंग टू बी द मास्ट सेल, मास्ट सेल। देन बेटा एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स है ना, एडिपोसाइट्स। बेटा कल मुझे बहुत सारे बच्चों ने ना नोट्स भी भेजे, अपने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए हुए मेरे को कुछ बच्चों ने स्पेशली डीएम किया, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी योर रिस्पांस ओवर ओवर दिस कि आपने कितने अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हर बंदे का लिखने का तरीका अलग होता है, मैं किसी अलग तरीके से इसी कंटेंट को लिखूंगी, तुम शायद किसी अलग तरीके से लिखोगे, एंड तुम मेरे से बेटर भी लिख सकते हो। सो ब्यूटीफुल नोट्स, जस्ट कंटिन्यू कीप ऑन यू नो डूइंग द सेम थिंग इन एवरी क्लास। अगर आपने एक भी दिन के नोट्स मिस कर दिए और जाकर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो बेटा फ्लो टूटता है, और फ्लो टूटता है तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इस फ्लो को क्या करिए, मेंटेन करके रखिए। अच्छा, तीसरी चीज फाइबर्स। अब तीन तरीके के फाइबर्स हो सकते हैं, वन इज कॉल्ड एज व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स। अदर वन इज कॉल्ड एज येलो इलास्टिक फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर्स। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिकुलर फाइबर्स। तीनों अलग अलग तरीके के फाइबर्स हैं, मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करके अभी आपको बता दूंगी, लेकिन हर कनेक्टिव टिश्यू के पास आपको ये सारी चीजें मिलेंगी एक्सेप्ट वन। देयर इज वन कनेक्टिव टिश्यू विच डज नॉट हैव फाइबर्स, उसका जो मैट्रिक्स है वो फाइबरलेस मैट्रिक्स है। अगर कोई यहाँ पर ड्रॉपर है तो मैं उससे ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। चलो जो नए 11th के बच्चे हैं वो ना भी दे तो कोई बात नहीं, लेकिन ड्रॉपर के पास इसका आंसर होना चाहिए, नेम अ टिश्यू विच डज नॉट हैव फाइबर्स। यस, नेम अ टिश्यू विच डज नॉट हैव फाइबर्स, बिल्कुल सही है। सो द फाइबरलेस, फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू को मैं सीटी लिखूंगी, तो सीटी से वो वाली सीटी मत समझना, सीटी हेयर मींस कनेक्टिव टिश्यू, हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा वर्ड हम बारी बारी नहीं लिखेंगे। सो फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी द ब्लड, उसके पास मैट्रिक्स तो है लेकिन उस मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं है, ठीक।
चलिए आ जाते हैं वन बाय वन. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, पहले मैं लिख लूं फिर दिखाती हूं. वीडियोस भी हैं, इमेजेस भी हैं, सब कुछ है. तो पहले मैं आपके लिए लिख लेती हूं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. देखिए दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है. आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था बड़ा अबंडेंट है, बड़ा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ दो ही तरीके के. ब्रॉडली क्लासिफाई करोगे तो इट इज ऑफ टू टाइप्स ओनली. ठीक है. फर्स्ट वन इज मतलब वो होता नहीं बेटा कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ कि मैं यू नो पंजाबी हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मैं प्योर पंजाबी हूँ, मैं खाना भी पंजाबी खाती हूँ, मैं बोलती भी पंजाबी हूँ, आई राइट पंजाबी, आई वॉक इन पंजाबी, एवरीथिंग. तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे जो प्योर बिल्कुल कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें कुछ भी अलग से नहीं है, मतलब प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है. और कुछ ऐसे जिसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है, थोड़े से स्पेशल बन चुके हैं, है ना. मॉडिफिकेशन हो जाती है ना कि अगर कोई पंजाब से दिल्ली आए, पंजाब से बॉम्बे आए, बॉम्बे आने पर मराठी बोलने लग जाएगा. सो इट इज अ काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन. सो दो तरीके के तुम्हारे पास कनेक्टिव टिश्यू मोटे मोटे होंगे. वन इज कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ये प्योर सीटी है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. अदर वन इज कॉल्ड एज, हाँ जी, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू थोड़े से स्पेशल है, अलग से काम करते हैं, राइट. तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस और टू टाइप्स. एक का नाम है लूज सीटी, लूज सीटी, है ना. दूसरे का काम नाम है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू. लूज समझते हो, लूज मतलब सब खुला खुला. सब खुले खुले से क्या समझोगे, सब खुले खुले से क्या समझोगे, मतलब अगर ये मेरे पास टिश्यू है तो इसमें ना फाइबर्स बहुत कम है, ये दूर दूर कहीं फाइबर्स प्रेजेंट है, लूज है बड़ा, दूर दूर सेल्स है, है ना. और मैट्रिक्स जो अपना है वो थोड़ा ज्यादा है. फाइबर्स क्या है, कम है, मैट्रिक्स क्या है बेटा जी, ज्यादा है. जस्ट इमेजिन इट लाइक अ दाल. दाल देखिए, मैं हमेशा दाल का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि दाल बच्चे रोज खाते हैं, है ना. दाल क्या है, तुम रोज खाते हो. दाल में अगर तुम देखोगे या तो कोई कुछ लोग के घर में बनती है पतली सी दाल, मतलब पानी की तरह दाल है, कुछ लोगों के घर में बनती है बड़ी गाढ़ी दाल. अब सबका अपना अपना टेस्ट होता है, एवरीवन ईट्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन टेस्ट. तो जो पतली दाल है, पतली दाल में देखो कि दाल कम है, पानी ज्यादा है, है ना. तो सेम वे यहां पर फाइबर्स कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, मैट्रिक्स इज द पानी ओवर हेयर, समझ रहे हो. फाइबर्स कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है. दूसरी जगह अगर मैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करूंगी तो यार ये दाल बड़ी गाढ़ी है. गाढ़ी दाल का मतलब है कि यार फाइबर्स बड़े ज्यादा है, दाल ज्यादा है और अपना पानी को कम स्पेस मिल रही है, पानी क्या है कम है. यस, तो ये क्या है अपनी पतली वाली दाल है और ये क्या है अपनी गाढ़ी वाली दाल है. पता चला, पता चला. यहां पर देर आर लेस फाइबर्स लूज कनेक्टिव टिश्यू में, लेस फाइबर्स एंड मोर मैट्रिक्स, मोर मैट्रिक्स. इधर उल्टा सिचुएशन है, हियर इट इज गोइंग टू बी मोर फाइबर्स एंड लेस मैट्रिक्स. ठीक है बेटा जी, होगा सब कुछ, सेल भी होगा, फाइबर भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, सब चीजें भरनी है. अब कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है उस हिसाब से हमारे पास है लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू की जरा टाइप्स बताई जाएं. इट हैज, इट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज द एरियोलर, एरियोलर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज एडिपोज. एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, इनके पास फाइबर्स क्या है कम है. डेंस वाला, अब डेंस वाले में बेटा आगे थोड़ा सा ना लड़ाई चल रही है कि ये जो दाल बनाई है तुमने, ये जो दाल है क्या वो एक ही टाइप की दाल है, मतलब बड़ी तरीके से बनी हुई है, या फिर उसे मिक्सिंग कर दी है कोई किधर कोई किधर कोई किधर, मतलब इज देयर एनी रेगुलैरिटी अमंग द फाइबर्स, ओरिएंटेशन सेम है या फिर नहीं है. एक दाल आपने वो देखी है बेटा, मिक्स दाल होती है, उसमें येलो वाली भी, ग्रीन वाली भी, ब्लैक वाली भी, सब डाल देते हैं एक साथ, है ना. समझ नहीं आता कि इसको उड़द की दाल बोले, मूंग की दाल बोले, या फिर हम चने की दाल बोले, कौन सी दाल बोले. बिल्कुल वही हाल है यहां पर भी. सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू आगे दो तरीके का हो जाएगा. इफ द फाइबर्स आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर एंड अ प्रॉपर पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एज डेंस
रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है ना, तरीके से एक अरेंज है। अगर आगे पीछे ऊपर नीचे फाइबर्स का कोई अता पता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज अ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो दो तरीके का हो सकता है, डेंस भी, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। तो ये कौन सी है इररेगुलर? मिक्स दाल है अपनी, और ये अपनी प्रॉपर दाल है कि ये मूंग की ही दाल है, या ये चने की दाल है, या फिर ये उड़द की दाल है। कुछ बच्चों के नाम नहीं पता होंगे, वो बोलेंगे ये येलो वाली है, ये ग्रीन वाली है, ये ब्लैक वाली दाल है, ठीक है। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम इसे कैसे बोलना चाहते हो। यस, चलिए आ जाते हैं। सो डेंस लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। अब डेंस रेगुलर के आगे टाइप्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज टेंडन्स, मेजरली टेंडन्स एंड लिगामेंट, लिगामेंट, ठीक। हाँ जी, हो गया अपना कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। इधर आ जाइए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, इट इज ऑफ टू टाइप्स अगेन, स्पेशल है तो स्पेशल काम भी करेगा। वन इज कॉल्ड एज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, अदर वन इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्केलेटल एंड फ्लूइड, स्केलेटल यानी कि बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाएगा, है ना। कौन कौन बनाता है? दो तरीके के हैं, एक है बेटा जी बोन, दूसरा कौन सा है आपके पास? कार्टिलेज, ठीक। हाँ जी, फ्लूइड तो बॉडी में दो ही हैं, दो ही हैं बेटा, फाइबरलेस है ये। फ्लूइड तो बॉडी में दो ही हैं आपके, दो ही फ्लूइड हैं। वन इज कॉल्ड एज ब्लड एंड द अदर टाइप ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज लिम्फ। हाँ जी, दूसरा पेल कलर्ड फ्लूइड, जो रेड नहीं होता है, जिसमें आरबीसी नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप के टिश्यूज हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक दूसरा चैप्टर है। कौन सा? एक चैप्टर का नाम पता है ना, 11th वालों, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो उस चैप्टर में इसका ज्यादा डिटेल पढ़ा जाता है, बट मैं ओवरव्यू, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं आपको इसी चैप्टर में भी बता दूंगी। यस गाइस, सबको पूरा क्लासिफिकेशन क्लियर? एक क्वेश्चन बनता है इस क्लासिफिकेशन में से, आउट ऑफ दिस विच वन इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और विच वन इज डेंस, यू नो, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर, कौन सा है। चलिए अब मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाती हूँ कैसा दिखता है। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो देख लिया सबने, लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी हैव एरियोलर एंड एडिपोज, यू कैन सी हाउ एरियोलर लुक्स लाइक एंड हाउ एडिपोज। लूज है बेटा, बहुत ही पतली दाल है, फाइबर्स कम है, दाल के दाने कम है, पानी ज्यादा है। इधर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर, रेगुलर जरा ध्यान दो बेटा, कितने मस्त तरीके से एक ही टाइप के फाइबर जैसे लाइन से लगे हुए हैं। और इधर देखिए इररेगुलर में, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आगे, कोई पीछे, इस तरीके से मिक्स दाल चल रही है ये। देन आते हैं स्पेशलाइज्ड में, स्पेशलाइज्ड में बेटा ये दोनों हो जाएंगे आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज एंड बोन, ब्लड और लिम्फ क्या हो जाएंगे आपके? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स लिखा है डॉक्टर राहुल, टेंडन्स लिखा है। हाँ जी, आ जाइए। नाउ मूविंग ऑन टू द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बताया हर कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें, ठीक है, हर कनेक्टिव टिश्यू में, ऑफ कोर्स विद एक्सेप्शन, हर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा जी तीन चीजें मैंने बताई, एक होगा सेल, एक होंगे बेटा फाइबर्स, दूसरा होगा ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में लिख लिया कि क्या है मैट्रिक्स में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके के सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल दैट यू सी इज गोइंग टू बी द फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल बेटा ऐसा दिखेगा, यस, सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइब्रोब्लास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट सेल का काम है फाइबर सिक्रीट करते जाना, मैट्रिक्स भी सिक्रीट करते हैं, मैक्सिमम मैट्रिक्स यही सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर फाइब्रोब्लास्ट सेल। जब भी आ जाए ना ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है बनाते हैं ये, जैसे एग्जाम्पल दें आपको, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बना रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन सेल बना रहे हैं, तो ब्लास्ट वर्ड आ जाए दैट मीन्स ये बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? फाइबर्स बना रहे हैं। सो फाइबर फॉर्मिंग सेल्स दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट, दे आर द लार्जेस्ट सेल। देख ही रहे हो बेटा कितना लंबा है, इतना लंबा सेल है, दे आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट सेल, है ना, एंड वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट, मैक्सिमम नंबर यही होगा जिसके पास फाइबर्स हैं। ब्रांच साइटोप्लाज्म है, फाइबर्स जो ये बनाएंगे, ये जो फाइबर्स बनाए ना बेटा जी, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स,
किससे बने हुए ये फाइबर्स? प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स हैं। काम तो तुम जानते हो, टू प्रोड्यूस फाइबर्स एंड टू सिक्रेट द मैट्रिक्स। यस, ये दो मेजर फंक्शन है। एंड दे ऑल्सो सिक्रेट बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज सिक्रेटेड बाय दिस फाइब्रोब्लास्ट। यही फाइब्रोब्लास्ट जो सबसे ज्यादा मैट्रिक्स सिक्रेट करेंगे। चलिए अगले टाइप के सेल्स, ये देखिए बेटा, गैस कर सकते हैं बेटा ये कौन है? वैसे ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी मैक्रोफाज। मैक्रोफाज जो कि आपके टिश्यू में, देखो मैक्रोफाज ना हर जगह, मैक्रोफाज इज अ यू नो दैट सेल जो सेल ईटिंग का काम करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। अब मैक्रोफाज ब्लड में भी है, मैक्रोफाज टिश्यू में भी है, समझ रहे हो? ये आपकी बॉडी है, लेट मी जस्ट ड्रॉ योर बॉडी। ये मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, अपना नाम रख लेना जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। ये कौन है? ये आप हैं, ये आपकी पतली पतली बाजुएं हैं, ठीक है। चलो मान लीजिए आप हैं, आपके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, दैट मीन्स यू हैव गॉट दीज ब्लड वेसल्स विद यू, है ना। ये ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारी आपकी बॉडी के अंदर। दैट ऑल्सो यू हैव गॉट सेल्स, टिश्यूज भी हैं आपके पास, ये आपके क्या प्रेजेंट है, टिश्यूज भी हैं। तो आपके पास जो मैक्रोफाजेस होंगे, जो मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं, वो ब्लड में भी होंगे, ब्लड में अलग टाइप का मैक्रोफाज है, वो आपके टिश्यू में भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी हम कौन से वाले मैक्रोफाज की बात कर रहे हैं, जो टिश्यू में प्रेजेंट है, लेकिन वो बना कहाँ से, आया कहाँ से, ब्लड में से ही आया। तो जो ब्लड में मैक्रोफाज था उसका नाम बताओ, ब्लड के अंदर बेटा एक मैक्रोफाज होता है, उसका नाम बताइए। यस गाइस, अरे नेक है, नेकलेस नहीं बनाया मैंने, जनरली मैं जो बनाती हूँ ना उसका नेक भूल जाते हैं हम, आज लेकिन हमने गर्दन बनाई है प्रॉपर इसकी, तो भाई इसकी गर्दन है, ठीक है। यस बताओ एक ब्लड के पास मैक्रोफाज होता है। हाँ जी, हिंट दे देती हूँ, दैट इज अ टाइप ऑफ WBC, दैट इज अ टाइप ऑफ WBC। ब्लड के पास एक मैक्रोफाज है, उस मैक्रोफाज का नाम है मोनोसाइट, ठीक है। तो इसी मोनो, अगर वो ब्लड में है तो उसका नाम मोनोसाइट है, यही मोनोसाइट अगर बाहर आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा, उसका नाम बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये मोनोसाइट आ गया है एरियोलर टिश्यू में, ठीक है। ये मोनोसाइट कहाँ पर आ चुका है, एरियोलर टिश्यू में आ गया, बाहर आ गया, एरियोलर में आ गया। इसका नाम क्या रख दोगे तुम लोग, हिस्टियोसाइट्स रख दोगे, क्या रख दोगे, हिस्टियोसाइट रख दोगे। मान लीजिए ये आपका आ गया लिवर के अंदर, लिवर के अंदर इसका नाम बदल जाएगा, नाउ दीज सेल्स दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज कफर सेल्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग कि ये मोनोसाइट कहाँ उठ के आ रहा है ब्लड में से, इसका नाम बदल जाएगा। लेकिन नाम चाहे कोई भी हो, काम तो ये वही करेंगे। काम क्या करना है इन्होंने, काम करना है बेटा जी फैगोसाइटोसिस, काम क्या करना है, फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है सेल ईटिंग, ठीक है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है उसको क्या कर लेंगे, ये इनगल्फ कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस। सो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम, आई कैन राइट वन लाइन, दैट दीज मैक्रोफाजेस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम कहां से, फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से बनते हैं, अगर ब्लड के अंदर तो वो मोनोसाइट है, ब्लड से बाहर है तो उसका नाम बदल जाएगा। यहां पर हम इनको क्या बोल देंगे, हिस्टियोसाइट्स। वन मोर नेम इज देयर, दैट इज क्लाजमेटोसाइट्स, ठीक बेटा, नाम याद रहेंगे। हाँ जी, चलिए, सो दीज आर अमीबॉइड इन शेप, किडनी शेप भी हो सकते हैं। इनके पास सेलुलर साइटोप्लाज्म क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। क्या काम करेंगे, दे विल डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग, ठीक है। अब सिंस बेटा ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, आपने आजकल एक नई मशीन देखी है रोड्स पे चलती है, रोड क्लीनिंग के लिए, किसने देखी है वो मुझे हाथ खड़ा करके बताना। देयर इज अ मशीन ना, वो ऐसे ट्रक टाइप होता है, एंड उस ट्रक के नीचे ऐसे झाड़ू सा लगा होता है गोल सा, यू नो, एंड दैट हैज अ वैक्यूम, वैसे गोल गोल झाड़ू घूमता जाता है, जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा है नीचे झाड़ू ऐसे गोल घूम रहे हैं, एंड देयर सकिंग द डस्ट फ्रॉम द रोड। हैव यू सीन दैट,
ट्रक इज गोइंग ऑन, देर इज अ ब्रूम, राउंड ब्रूम अंडरनीथ द ट्रक. एज द ट्रक मूव्स द ब्रूम कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड इट सक्स द डस्ट फ्रॉम द रोड. रेलवे स्टेशन पे होता है. हाँ यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, रेलवे स्टेशन पे होता है. यस, स्टेशन पे देखा होगा, रोड्स पे भी होता है आजकल, आपको रोड्स पे मिल जाएगा. तो यार वो क्या काम कर रहा है, सफाई कर रहा है. किसकी सफाई कर रहा है? रोड पे जो हमें नहीं चाहिए, जो लोग स्वच्छता नहीं रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग क्या है? चिप्स खाए, लेज खाए फेंक दिया, बिस्किट खाए फेंक दिए, बॉटल में पानी पिया बॉटल फेंक दी. तो यार उसी चीज़ों को क्लीन करना है, उसी डस्ट को हमें क्या करना है, क्लीन करना है. दैट मीन्स दे आर डूइंग द क्लीनिंग पार्ट, दे आर रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट फ्रॉम द रोड. सेम वे योर बॉडी में बैक्टीरिया इज अनवांटेड, नहीं चाहिए, वायरस इज अनवांटेड, नहीं चाहिए. क्लीनिंग कर रहे हैं दोनों की, तो दे आर बेसिकली द स्कैवेंजर्स, दे आर कॉल्ड एज अ स्कैवेंजर सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द डैमेज सेल और दे क्लीन द कनेक्टिव टिश्यू. कुछ भी खराब हो गया है, बाहर से आया है, नहीं चाहिए, उसको क्या करेंगे, क्लीनिंग. इसीलिए इनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स, दे आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स. क्लियर बेटा? चलिए, सेकेंड टाइप के सेल हो गए. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा मास्ट सेल. अब मास्ट सेल भी बेटा अकेले टिश्यू में नहीं होते हैं. यस, लेट मी जस्ट टेल यू, आपके ब्लड में मोनोसाइट थे, आपके ब्लड में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट WBC था, उसका नाम है, ब्लड के अंदर एक WBC होता है बेटा, उसका नाम है बेसोफिल. क्या नाम है इसका? बेसोफिल. ठीक है, बेसोफिल. जब तक ये ब्लड के अंदर है, इसका नाम क्या है? बेसोफिल. लेकिन अगर ये बेसोफिल उठ के टिश्यू में आएगा, बाहर आएगा, बेटा यही काम करने वाला, मतलब यही सेल, इसका नाम बदल जाएगा. अब इसका नाम क्या कहलाएगा? मास्ट सेल कहलाएगा. जगह अलग अलग है, ब्लड के अंदर था तो क्या था? बेसोफिल था. बाहर बॉडी में टिश्यू में आया तो क्या बन गया? मास्ट सेल बन गया. ठीक है, लेकिन काम एक है, जगह अलग है, नाम अलग है, लेकिन बेटा काम एक है. जो ब्लड में उसका काम था, वही उसका टिश्यू में काम है. दे आर ऑल्सो अमीबॉइड इन शेप, यू कैन सी ओवर हेयर, दिस इज द पिक्चराइजेशन ऑफ द मास्ट सेल, एंड दे आर जस्ट लाइक द बेसोफिल्स ऑफ ब्लड इन स्ट्रक्चर एज वेल एज इन फंक्शन. मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ब्लड में बेसोफिल है, कंप्लीट द एनालॉजी, एनालॉजी वाले क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं बेटा आजकल. एनालॉजी में पूछ सकते हैं दैट ब्लड बेसोफिल, ब्लड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बेसोफिल है ना, टिश्यू डैश आ सकता है ना, आ सकता है. अगर ब्लड में बेसोफिल है तो टिश्यू में उसका नाम बताओ, तो आप क्या नाम बताएंगे? यस बेटा बताइए, क्या नाम बताएंगे? हाँ जी, ब्लड में अगर बेसोफिल है तो टिश्यू में क्या है? बिल्कुल, जो उसी से बना है, जिसका फंक्शन बिल्कुल सेम है. ब्लड में जो काम बेसोफिल करता है, टिश्यू में वही काम वुड बी परफॉर्म्ड बाय मास्ट सेल. तो अलग नहीं समझना है इसको, ठीक है, एक ही चीज है. सो देयर फंक्शन इज बेटा वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी राइट डाउन देयर फंक्शन, फंक्शन ऑफ द मास्ट सेल. सबसे पहले दे आर गोइंग टू सिक्रीट हिस्टामीन. क्या काम है इनका? हिस्टामीन सिक्रीट करेंगे. हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन इज अ वैसोडाइलेटर. वैसोडाइलेटर का मतलब समझते हो? वैसोडाइलेटर का मतलब होता है विच विल डायलेट द ब्लड वेसल, मतलब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज करेंगे. अगर आपकी ब्लड वेसल का डायमीटर पहले इतना था, हिस्टामीन आएगा तो इतना हो जाएगा. यस, सो दे आर गोइंग टू इंक्रीज डायामीटर ऑफ ब्लड वेसल. बीवी इज ब्लड वेसल, समझ जाना बेटा, बीवी इज ब्लड वेसल. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज हिस्टामीन सिक्रीट करना, जो कि एक वैसोडाइलेटर है और क्या है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है. ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर है, हाँ जी. वैसोडाइलेटर चीज कहाँ यूज होती है? मच्छर काटता है. मैं हमेशा क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ जो सबके साथ होता है. मच्छर तो सबको काटता है ना, मच्छर तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता. कुछ लोग बोलते हैं मेरा खून कड़वा है, मुझे मच्छर नहीं काटते. ऐसा नहीं होता बेटा, मच्छर किसी को भी काट सकता है अगर आपके पास आसपास मच्छर है. तो मच्छर काटते वो एरिया लाल हो जाता है ना. कोई भी इंजरी होती है, देर इज रेडनेस. व्हेनेवर देर इज रेडनेस, देर इज स्वेलिंग.
जब रेड कलर की आपको स्वेलिंग दिख रही है, दैट मींस वहां की ब्लड वेसल का डायमीटर ज्यादा है नॉर्मल से. देयर देयर इज मोर अमाउंट ऑफ ब्लड. ज्यादा ब्लड होगा तो वो एरिया आपको बाहर से रेड ही दिखेगा. सो दिस इज वैसोडाइलेशन. सेकेंड वन इज ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन. ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन मतलब आपकी ब्रोंक्योल्स का डायमीटर कम हो गया. अब ये जो हिस्टामिन है ना, यूजुअली बेटा इट इज रिलीज ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ एलर्जी. जब आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी होती है, आपको एलर्जी डस्ट से हो सकती है, आपको एलर्जी पोलन से हो सकती है, परफ्यूम लगाने से हो सकती है, या कुछ खाने से हो सकती है. सो जब भी एलर्जी होती है ना, तब क्या रिलीज होता है? हिस्टामिन रिलीज होता है. हिस्टामिन क्या करता है? वेसल्स को डायलेट करता है और ब्रोंक्योल्स को क्या करता है? कंस्ट्रिक्ट करता है. एंड ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का क्लासिक केस है, ये किस में देखा जाता है? इन एस्थमेटिक पेशेंट, है ना. एस्मा में आपने देखा हुआ है कि उन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है. सांस लेने में क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि बेटा उनकी ब्रोंक्योल्स का डायमीटर बहुत कम हो चुका है, पैसेज बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है. तो वो क्या करते हैं बेटा? इन्फ्यूजर्स लेके आते हैं. देखें, वैसे ऐसे इन्फ्यूज करेंगे, फिर एक गहरी सांस भरेंगे, वो ठीक हो जाएंगे. व्हाट इज प्रेजेंट इन दैट इन्फ्यूजर? एस्मैटिक पेशेंट के इनहेलर में क्या होता है? उस इनहेलर में होता है, लेट मी राइट ओवर हियर, इनहेलर्स ऑफ द एस्मैटिक पेशेंट, दे हैव गॉट एंटीहिस्टामिन. उसमें क्या होता है? एंटीहिस्टामिन होते हैं, स्टेरॉइड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से बेटा हिस्टामिन का इफेक्ट खत्म. ब्रोंक्योल्स जो कंस्ट्रिक्ट हो रहे थे वो नॉर्मल साइज में आ जाएंगे, नॉर्मल डायमीटर हो जाएगा, एंड वो लोग क्या फील करेंगे? ठीक फील करेंगे. यस, सो इनहेलर्स ऑफ द एस्थमेटिक पेशेंट, दे हैव समथिंग विच इज अगेंस्ट दिस हिस्टामिन. तो हिस्टामिन किसने रिलीज किया था? मास्ट सेल. यानी कि मास्ट सेल एलर्जी के वक्त बड़े एक्टिव होंगे, जब भी एलर्जी होगी आ जाएंगे. चलिए दूसरी चीज, ये क्या सिक्रीट करते हैं? फर्स्ट तो हो गया हिस्टामिन, सेकेंड इज बेटा जी सेरोटोनिन. सेरोटोनिन, सेरोटोनिन का क्या काम होता है? सेरोटोनिन हिस्टामिन का उल्टा है. इट इज वैसो कंस्ट्रिक्टर. वैसो कंस्ट्रिक्टर ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है. जब आप रात में सोते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़ता है या कम होता है? चलो थोड़ा सा जनरल नॉलेज, जनरल सेंस तुम्हारी चेक करते हैं. हैं, ब्लड वेसल का डायमीटर रात में कम हो रहा होता है या बढ़ता है? क्या सीन होता है बताओ. हाँ जी, बहुत खतरनाक होता है. हाँ हाँ बताइए. जब आप रात में सोते हैं, रेस्टिंग मोड में हैं, नैप ले रहे हैं, तब ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बड़ी तेजी से चल रहा होगा या कम फ्लो से चल रहा होगा? क्या होगा? हाँ जी, जब भी आप रात में सोते हैं, जब भी रिलैक्स स्टेट में हैं, यू नो यू आर टेकिंग अ नैप, जो आप इस समय लेते हैं यूजुअली, लेकिन मैं लेने नहीं दूंगी क्योंकि पेपर भी 2 से 5 होता है, ठीक है. तो रात के वक्त जब आपकी गहरी नींद होती है, एट दैट टाइम देयर इज यू नो हाई अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन, जो कि आपको रिलैक्स स्टेट में, काम स्टेट में डालते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल से ब्लड वेसल का डायमीटर कम कर देता है. कम ब्लड धीरे धीरे फ्लो करेगा तो आप एक रेस्टिंग काम स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है. इसीलिए बोला जाता है रात में गर्म दूध पी के सोएं, बिकॉज इट समवेयर एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द सेरोटोनिन, ताकि आपको गहरी नींद आए. तो सेरोटोनिन इज अ वैसो कंस्ट्रिक्टर. दूसरी चीज आती है, तीसरा, थर्ड, इट रिलीजेस हेपरिन. और क्या रिलीज करते हैं ये? हेपरिन. हेपरिन क्या है? हेपरिन इज एन एंटी कोएगुलेंट ऑफ द ब्लड. इट्स अ नेचुरल एंटी कोएगुलेंट. एंटी कोएगुलेंट मीन्स ये आपके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखेगा, सॉलिडिफाई बॉडी के अंदर नहीं होने देगा. अगर तुम ब्लड बॉडी से बाहर निकालोगे, इफ यू विल टेक ब्लड इन द टेस्ट ट्यूब, तो हेपरिन नहीं है. हेपरिन नहीं है तो वो ब्लड क्या कर जाएगा? सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा. लेकिन बॉडी के अंदर इसीलिए नहीं होता क्योंकि आपके पास क्या है? हेपरिन है. तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मास्ट सेल का, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन. इज दिस क्लियर? हाँ जी बताइए, क्या ये चीज सबको 100% क्लियर हुई? ब्लड को लिक्विड में रखने का काम है हेपरिन का, वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम है सेरोटोनिन का, एंड वेसल्स को डायलेट करने का काम है हिस्टामिन का. तो ये एक सेल हो गया. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज एडिपोज सेल्स. एडिपोज सेल्स आपके ऑलमोस्ट वैसे हर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, इनका एक अलग से टिश्यू भी है. सो एडिपोज सेल्स आर दोज जो फैट स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल, ठीक है. एडिपोसाइट्स मैं आपको बाद में डिटेल में कराऊंगी, पहले आप सारे सेल्स पढ़ लो, ये नहीं. यस, सम ऑफ द सेल्स दे आर कॉल्ड एज प्लाज्मा सेल्स. और कौन से टाइप के सेल्स हैं? प्लाज्मा सेल्स.
नाउ दीज प्लाज्मा सेल्स आर काइंड ऑफ लिम्फोसाइट्स. ये भी आपके एरियोलर टिश्यू में होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं. देखो प्लाज्मा सेल ना, दीज आर फॉर्म्ड बाय बी लिम्फोसाइट्स, और ये जो प्लाज्मा सेल्स हैं दे सिक्रीट एंटीबॉडीज, दे सिक्रीट एंटीबॉडीज. तो ये एंटीबॉडी सिक्रीट करने वाले सेल तभी आएंगे जब इन्फेक्शन है. ऐसे तो नहीं कि हर समय घूमते रहेंगे एंटीबॉडियां लेके, नहीं. वेन एवर देयर इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तब अगर आप टिश्यू का सैंपल लोगे प्लाज्मा सेल दिखाई देंगे. कैसे पहचानोगे इनको? प्लाज्मा सेल की एक अपनी पहचान है बेटा. कैसे? दे हैव गॉट अ कार्टव्हील लाइक न्यूक्लियस. इनका जो न्यूक्लियस है ना, दे हैव गॉट कार्टव्हील लाइक न्यूक्लियस. आप सोचोगे कि मैम कार्टव्हील ने हमारा पीछा बायो में भी नहीं छोड़ा. फिजिक्स में तो स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है ना बेटा कार्टव्हील की, राइट? देयर आर सम स्पेशल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कार्टव्हील. हैं? बताओ बताओ. यस, तो कार्टव्हील बेटा तुम्हारा पीछा बायो में भी नहीं छोड़ रहा है. बायो में भी तुमको याद रखना है कि प्लाज्मा सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कि अगर तुम्हें माइक्रोस्कोप में देखने को बोल दे कि यार बताओ प्लाज्मा सेल कौन सा है, तो तुम प्लाज्मा सेल को बताओगे कि प्लाज्मा सेल का न्यूक्लियस होता है कार्टव्हील, उसका हेटरोक्रोमेटिन इस तरीके का अपीयरेंस देता है. क्रोमेटिन मटेरियल गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ कार्टव्हील. सो दे हैव कार्टव्हील लाइक न्यूक्लियस. जब भी कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, वेन एवर देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो बेटा ये दिखेंगे. टिश्यू का सैंपल लोगे तो दिखेंगे. अगर कोई इन्फेक्शन नहीं है, तुम लोग हेल्दी हो, तुम्हारा इम्यून सिस्टम बड़ा ही स्ट्रांग है, तो ये नहीं भी दिखेंगे. तो हर समय नहीं दिखते हैं ये, ठीक है? हर समय नहीं दिखते हैं, राइट? इट्स फंक्शन इज टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीट द एंटीबॉडीज, राइट? ओहो आई गया यार, प्लाज्मा सेल विद कार्टव्हील लाइक अपीयरेंस, राइट? राउंड न्यूक्लियस है, लेकिन क्रोमेटिन मटेरियल इज अरेंज लाइक दैट ऑफ अ स्पोक्स एंड इट इज फॉर्म्ड बाय लिम्फोसाइट्स, राइट? चलिए आगे चलते हैं. प्लाज्मा सेल के बारे में पता चल गया. हाँ जी, तीसरी चीज. हाँ जी, एक बारी मैं जाऊँ जरा अपने कनेक्टिव टिश्यू पे. क्या क्या कर लिया हमने? देखिए कनेक्टिव टिश्यू में से ये वाला पोर्शन डन. मैट्रिक्स में क्या क्या है? सेल्स हमने डिस्कस कर लिए. फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाते हैं, प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, मैक्रोफाज बेटा जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, मास सेल क्या करते हैं? हिस्टामिन, हेपरिन एंड सेरोटोनिन एंड एडिपोसाइट्स बेटा फैट स्टोर करते हैं. अगली चीज आती है आपके फाइबर्स. कौन कौन से तरीके के आपके पास फाइबर्स हैं, ठीक है? सो यू हैव रिटन White collagen, yellow elastic and reticular fibers. So let me make a table for that. आपकी easy understanding के लिए. देखो मेरा जो तरीका है ना पढ़ाने का, मैंने कल तुमसे पूछा था तुम्हारी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठी कि नहीं बैठी. जिस बच्चे की ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना, वो अगले एक साल मेरे साथ बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाएगा. अगले एक साल हम बहुत सारे डायग्राम में ही इतनी लेबलिंग कर देंगे, माइंड मैप्स बनाने वाला है वो बच्चा, ठीक है? उसके बाद बेटा तुम एक्सपीरियंस हो जाओगे. यू नो, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई डायरेक्शन भी बता रहा होता है ना, कि मान लो मुझे एक मॉल तक जाना है, कि पहले मैं राइट लूँगी लेफ्ट लूँगी, आई स्टार्ट मेकिंग अ फ्लो चार्ट, आई स्टार्ट राइटिंग. मुझे कोई कुछ बता रहा है फ़ोन करके, अच्छा मैम आपकी मीटिंग है इतने इतने बजे, मीटिंग है, लिख लिया. मतलब लिखने की ऐसी आदत हो गई है. अच्छा मंडे 4 PM पूरा फ्लो चार्ट बन जा रहा है उसमें. तो तुम्हारा भी ये हाल होने वाला है अगर तुम्हारी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठ गई. तुम हर चीज़ का फ्लो चार्ट बनाया करोगे. दूध लाना है, दही लानी है, ठीक है फ्लो चार्ट में लिख लिया, अपना पॉइंट्स बना लिए कि दूध लाना है, दही लानी है, ब्रेड लानी है, इस ब्रांड की लानी है, इतने बजे लेके आनी है, ओके मम्मी डन, है ना? ऐसा हो जाएगा. यस, अंजू यू कैन जॉइन इट विद सी पाहुजा बायोलॉजी, सर्च करोगे मिल जाएगा, वहीं पे PDFs है सारी, ठीक है? हाँ, तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं. फाइबर्स का भी तीन तरीके के फाइबर्स हैं. यू हैव गॉट White collagen fibers, white collagen, collagen protein का नाम है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि फाइबर किसका बनता है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, क्या है, फाइबर एक प्रोटीन है. फाइबर्स आर प्रोटीन्स, ठीक है? सो वी हैव वाइट कोलेजन फाइबर्स, वी हैव गॉट येलो इलास्टिक फाइबर्स एंड वी हैव गॉट रेटिकुलर फाइबर्स. रेटिकुलर फाइबर्स भाई सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले, जहां पर बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, कौन से हैं वो? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स. बंडल्स में होंगे एंड दे वुड बी स्ट्रेट, नो ब्रांचिंग, इस तरीके से बंडल्स में प्रेजेंट है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, टफ है, अनब्रांच्ड है. सो दे आर सीन इन बंडल्स, दे आर एक्चुअली स्ट्रेट एंड दे आर अनब्रांच्ड.
अनब्रांच्ड फाइबर्स, ठीक है, जो कि हैं वाइट कोलाजन फाइबर्स। कहाँ मिलते हैं? हमें टेंडन्स में मिलते हैं बहुत सारे। कहाँ मिलते हैं? टेंडन्स, क्योंकि टेंडन्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। जहाँ भी बॉडी में आपको स्ट्रेंथ दिख रही है ना, मतलब स्ट्रांग एरिया, जैसे मसल और बोन के बीच में बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, स्ट्रांग है, दिस इज गोइंग टू बी वाइट कोलाजन फाइबर्स। आपकी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रे हैं, दे आर एक्चुअली जॉइंड बाय वाइट फाइबर्स कार्टिलेज ओनली। तो वाइट कोलाजन फाइबर जहाँ आ जाए मतलब स्ट्रेंथ है वहाँ पर। दूसरा, येलो इलास्टिक। हाँ जी, अकेले अकेले हैं ये बंडल्स में नहीं है। दे वुड बी सीन सिंगली, अकेले, दुकेले, किसकी तरह? तुम्हारी तरह। सो सिंगली एंड दे वुड बी शोइंग अ नेटवर्क, दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी ब्रांचिंग। इस तरीके से ब्रांच्ड फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर, ठीक है। कहाँ मिलेंगे? बॉय लिगामेंट्स में मिल जाएंगे, लिगामेंट्स में मिल जाएंगे। हाँ जी, इसको जब बॉयल करते हो ना, इसको बेटा जी जब बॉयल करते हो, इट रिलीजेस जेलेटिन। इसके जलने से कुछ मिलता है हमें। यस, इट्स बॉइलिंग इज गोइंग टू रिलीज जेलेटिन, वाइल योर वाइट कोलाजन फाइबर्स दे वुड बी अनअफेक्टेड ऑन बॉइलिंग। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनअफेक्टेड ऑन बॉइलिंग, ठीक है बेटा जी। देन आते हैं आपके रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर भी बेटा सिंगल होते हैं एंड ब्रांच होते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, ब्रांच्ड, एंड दे आर हाईली डेलिकेट एंड दे विल फॉर्म अ नेटवर्क। यस गाइस, बेसिकली हम यहां पर ज्यादा जो बात करेंगे 11th और 12th में व्हाइट कोलाजन और येलो इलास्टिक की करेंगे। व्हाइट कोलाजन वहां जहां स्ट्रेंथ है, येलो इलास्टिक वहां जहां पर मूवमेंट है। जैसे ये कितने अच्छे से तुमने अपना नाक दबा दिया, टिप ऑफ द नोज, ये बेटा यहाँ पर योर ईयर पिन्ना, समथिंग रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। जहाँ मूवमेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वहाँ येलो इलास्टिन फाइबर्स होंगे। जहाँ पर स्ट्रेंथ है, वहाँ पर वाइट कोलाजन फाइबर्स होंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन वाइट कोलाजन, चलो बताओ, नेम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन वाइट कोलाजन। नहीं बेटा, मैं 12th भी पढ़ाऊंगी सोनिया, टेंशन नहीं लेनी। 11th 12th पूरा होगा मेधावी बैच में। देखो, तुम्हारे कहने की वजह से मेधवी मेरे नाम पे भी आ गया। इट इज मेधावी, यस इट इज मेधावी बैच। अब फ्रॉग और अर्थवर्म भी कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, बट वो सेपरेटली कराएंगे। हाँ जी बताइए। ओके, हाँ जी, द प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हाइट कोलाजन फाइबर्स इज कोलाजन, प्रोटीन प्रेजेंट इन येलो इलास्टिक फाइबर्स इज गोइंग टू बी इलास्टिन। यहाँ पे प्रोटीन का नाम क्या होगा? बिल्कुल सही है, इलास्टिन, इसके नाम में ही है। यहाँ पर प्रोटीन का क्या नाम होगा? रेटिक्यूलिन। तो प्रोटीन बेटा जी यहाँ पर कोलाजन है, यहाँ पर प्रोटीन है इलास्टिन, एन लगा दोगे, यहाँ पर प्रोटीन है रेटिक्यूलिन, प्रोटीन इज गोइंग टू बी रेटिक्यूलिन, राइट बेटा। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ इट विल बी 100% क्लियर दैट फाइबर्स, देयर आर वाइट कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन प्रोटीन के बने हुए हैं मैक्सिमम क्वांटिटी में, और ये क्या है? बड़े टफ फाइबर्स हैं, वेवी हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं बेटा बंडल्स में, रस्सी की तरह हैं, बिल्कुल आपको रस्सी की तरह दिख रहे हैं। दिस इज एक्चुअल इमेज ऑफ द वाइट कोलाजन फाइबर्स, है ना। तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये, है ना। ऑन बॉइलिंग दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इन टू जेलेटिन, ऑफकोर्स। नेक्स्ट आते हैं येलो इलास्टिक फाइबर्स। येलो कलर क्यों होंगे? ठीक है, कंपोज्ड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है बेटा जी इलास्टिन, एंड दे आर ब्रांच्ड, नेटवर्क बनाएंगे, हाई रेजिस्टेंट टू केमिकल, बॉइलिंग में कोई भी इफेक्ट इन पे नहीं आएगा, दे विल नॉट गेट डिसॉल्व्ड। लास्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है, दे कैन बी स्टेन्ड विद सिल्वर सॉल्ट एंड द प्रोटीन इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलिन प्रोटीन। ये पता होना चाहिए बेटा, हाईली ब्रांच्ड है। रेटिकुलर का मतलब ही होता है नेटवर्क, ब्रांचिंग सी बनाना, हाईली ब्रांच्ड, मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स, राइट। अब आते हैं अपने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। हमने बेसिक चीजें कर ली कि हर कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स, फाइबर्स और सेल्स होंगे। अब सबसे पहले आते हैं अपनी पतली दाल पे, है ना, पतली वाली दाल, जिस बच्चे को पसंद है उसको ये आना चाहिए। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू वो है जिसमें फाइबर्स क्या है कम, मैट्रिक्स क्या है ज्यादा, मतलब दाल का नंबर क्या है कम, पानी क्या है ज्यादा, ठीक है। यस, हाँ जी, ये कौन पूछ रहा है यार? मिस्टर रंजीत कुमार, टेलीग्राम पे मिलेंगे नोट्स,
टेलीग्राम पे, राइट, सी पाहुजा बायोलॉजी के नाम से आप जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा काम किया करो, सर्च किया करो, जिस टीचर से ट्यूनिंग बैठी है उसको ढूंढा करो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। ऑन एवरी प्लेटफॉर्म यू विल फाइंड मी विद माई नेम ओनली, एट द रेट सी पाहुजा, ठीक है। इस पे आप ढूंढेंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड मी, ठीक है। अनअकैडमी पे भी जो मेरी प्रोफाइल है वो एट द रेट सी पाहुजा, और मेरा नाम बड़ा यूनिक है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है इसका, मेरे नाम जैसा और किसी का नाम नहीं है, तो तुम भटक नहीं सकते हो, तुम्हें और कोई नहीं मिलेगा इस नाम के जैसा, है ना। चलिए, सो फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज द वन विच इज गोइंग टू बी प्रेजेंट बिनीथ द स्किन एंड इट विल सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी। एक बात बताऊँ, बॉडी में कहीं भी पैक करना है, दो टिश्यू के बीच में खाली जगह है, बीच में जाके भरना है, दैट इज गोइंग टू बी डन बाय द एरियोलर टिश्यू। दैट मीन्स ये आपका एक पैकेजिंग टिश्यू है, इट इज गोइंग टू बी अ पैकेजिंग टिश्यू, ठीक है, पैकेजिंग टिश्यू, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में बेटा ये वीडियो ध्यान से देखना, यस एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, मैं इसको जूम तो नहीं कर पाऊंगी, बट आप यहां पर देखेंगे फाइब्रोब्लास्ट दिख रहे हैं सबको, ये वाले फाइब्रोब्लास्ट है, इससे धागे धागे की तरह क्या निकल रहा है, फाइबर निकल रहा है। देन कुछ सेल्स है लाइक मैक्रोफाजेस है, मास सेल्स है, सो दीज आर फाइब्रोब्लास्ट, यू विल सी दीज आर द मैक्रोफाजेस एंड दीज आर द मास सेल, और बीच में बेटा आपको क्या दिख रहा है, मैट्रिक्स। फाइबर्स बहुत कम है, मैट्रिक्स ज्यादा है, तभी तो क्या है ये पतली दाल है ना, पतली दाल है, यस। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट अराउंड नर्व्स, आपकी नर्व्स के अराउंड, अराउंड नर्व्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, क्योंकि बेटा मान लीजिए अगर दो ब्लड वेसल है इसके बीच में, इसके अराउंड, यानी कि ये ब्लड वेसल है तो इसके अराउंड किसकी पैकेजिंग है, किसने इसको पूरा रैप करके रखा हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दैट मीन्स इट इज द वन जो आपकी स्किन को अटैच कर रहा है मसल से। आप जानते हैं कि नहीं जानते, एक चीज बताऊं, स्किन के नीचे मसल्स हैं, है ना, लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग, यहीं पे मैं खोल देती हूँ आपके लिए, एक सेकेंड रुकना, ओके लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू, दिखाई देती हूँ, अभी नहीं दिखेगा। देखिए आपके स्किन के नीचे क्या होता है, स्किन के नीचे क्या होते हैं, मसल्स होती हैं, मसल और स्किन के बीच में कुछ तो ग्लू है जो जोड़ के रखी है, दैट इज गोइंग टू बी द एरियोलर टिश्यू। कौन सा ग्लू है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द एरियोलर टिश्यू, सो इट अटैचेस, लिख लो, इट अटैचेस स्किन टू मसल, स्किन को मसल से जोड़ के रखता है आपका एरियोलर टिश्यू, इट फिल्स द स्पेस बिटवीन टू टिश्यू, इट जॉइंस द टू टिश्यू एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, ठीक है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, राइट, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का ना एक इमेज भी बनी हुई है आपके एनसीईआरटी में, उस इमेज में से बहुत सवाल आते हैं और आज मैं लेके भी आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू बी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब है फैटी टिश्यू है, इसमें एडिपोज सेल्स हैं जिसमें आपके फैट ग्लोब्यूल होते हैं, सो दीज आर सीन मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे ही होंगे एडिपोज टिश्यू, है ना। इसमें जो सेल्स हैं, सेल्स आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स, होता है ना बेटा आरबीसी वाले सेल एरिथ्रोसाइट, एडिपोज वाले सेल एडिपोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी वाले सेल ल्यूकोसाइट, तो जब भी साइट आ जाए लास्ट में दैट मीन्स सेल, सो दीज आर एडिपोसाइट्स, जिनके पास फैट ग्लोब्यूल होगा ये फैट को स्टोर करेंगे। अब फैट कहाँ से बना, तुमने खाना ज़्यादा खाया, रोज पराठे खा रहे हैं, रात में इतना घी मक्खन चल रहा है, एक्सरसाइज है नहीं लेकिन एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनटेक है, ठीक है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इनटेक विल कन्वर्ट इनटू फैट्स एंड विल बी स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। तो जो यार ज़्यादा खाएगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, वो फैटी होगा, उसमें फैटी टिश्यू ज़्यादा है, बाकी में क्या है, कम है, यस, बाकी में क्या है बेटा जी, कम है। हाँ जी, चलिए आ जाइए, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू। वैसे कभी सोचा है बेटा, आपको कोई दोस्त हो या आप ही हूँ या कोई भी हो, एनी एक्स वाई जेड पर्सन हु हैज गॉट लॉट्स ऑफ फैट्स, आप उन्हें सर्दियों में देखो बेटा, भरी सर्दी में धुंध चल रही है, दे वोंट वियर मच क्लोथ्स, दे वुड बी लाइक यार इट्स ओके, ऑटम जैसा ही तो मौसम है, वो आपको स्वेटर में नहीं दिखेंगे, उन्होंने एक पतली सी टी शर्ट पहनी होगी एंड दे वुड फील लाइक कि मुझे ठीक लग रहा है। देखा है ऐसा, कभी ऐसा देखा है? हाँ जी बताइए बताइए,
मुझे लग रहा है आज तुम लोग बड़ी गांधी जयंती सेलिब्रेट कर लो। टुडे इज 2nd ऑफ अक्टूबर, सो बिल्कुल यू शुड रिमेम्बर अबाउट महात्मा गांधी। ही हैड प्लेड अ बिग रोल इन आवर इंडिपेंडेंस। एंड आज जब नमक खाओ तो उस नमक की वैल्यू ज़रूर समझना, बिकॉज ऑफ दैट दांडी मार्च। आपने SST में 10th क्लास तक ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी। चलिए देखें। हाँ जी, अंजलि शर्मा, सी पाहुजा बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल। जब आपने देखे कि यार जो मोटे, जो थोड़े से हेल्दी लोग होते हैं जिनमें एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है, उनको ज़्यादा ठंड फील नहीं होती, बिकॉज एडिपोज टिश्यू का जो मेजर फंक्शन है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, देन वन ऑफ देयर मेजर फंक्शन इज दैट दे फॉर्म एन इंसुलेटिंग लेयर। एक इंसुलेटिंग लेयर बना देते हैं जिससे बॉडी की हीट बाहर नहीं जाती है। तो जिसमें डिपोज ज़्यादा है, ये टिश्यू मोटा है, तो उसकी बॉडी की हीट और अच्छे से अंदर रहेगी, उसको ठंड नहीं लगेगी। बाहर लो टेम्परेचर है, उस भाई को इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। सो दिस इज द मेजर रीज़न। ठीक है, इंसुलेटिंग लेयर के साथ एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी काम करता है। शॉक एब्जॉर्बर, धक्का लगेगा, झटका लगेगा तो ऑर्गन्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करता है। इट प्रोटेक्ट दी वेरियस ऑर्गन्स लाइक किडनी। किडनी के अराउंड बहुत फैट है, आई बॉल्स के अराउंड फैट है, तो ये जो विसरल ऑर्गन्स के अराउंड फैट है वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन ये जो आपकी स्किन के नीचे एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू लीड टू ओबेसिटी एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। अब एडिपोज टिश्यू में सेल्स कैसे होते हैं? एडिपोज टिश्यू में, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सेल। सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होगा, एंड फैट कहाँ पर स्टोर होगा? दे आर द फैटी सेल्स। देयर इज गोइंग टू बी अ फैट ग्लोब्यूल। कैन यू सी, दिस इज अ फैट ग्लोब्यूल। या तो ये सीन हो सकता है ना, या फिर क्या सीन होता है, दिस इज द सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, एंड देयर आर मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स, मल्टीपल फैट ग्लोब्यूल्स। सब में क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। तो आपके पास दो तरीके के एडिपोसाइट्स होते हैं, दो तरीके का एडिपोज टिश्यू है। वन इज कॉल्ड एज वाइट एडिपोज टिश्यू और द मोनोलॉक्युलर वन। दिस इज द वाइट एडिपोज टिश्यू एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ब्राउन एडिपोज टिश्यू। हाँ जी, वाइट को और क्या बोल सकते हो, सिंगल फैट ग्लोब्यूल है बेटा वाइट के पास। ये क्या है, दीज आर द फैट ग्लोब्यूल्स एंड देयर इज अ सिंगल फैट ग्लोब्यूल। तो व्हाइट को बोला जाता है मोनोलॉक्युलर, मोनोलॉक्युलर बोल सकते हैं, एक ही फैट ग्लोब्यूल है ना, इसके पास बड़े सारे हैं, इसको क्या बोलोगे, मल्टीलॉक्युलर, मल्टीलॉक्युलर। ठीक है, तो मोनोलॉक्युलर, मल्टीलॉक्युलर, दोनों का अलग अलग काम है, दोनों अलग अलग जगह है। पहले तो यार वो ब्राउन क्यों है, जब भी रंग आता है इट इज ड्यू टू अ पिगमेंट, सो दे आर ब्राउन बिकॉज दे हैव आयरन कंटेनिंग साइटोक्रोम पिगमेंट है बेटा इसमें, तभी इसका कलर क्या है, ब्राउन है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट कम होता है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज्यादा होता है। देन देखिए, अगर हीट जनरेट करने की बात करें, तो सिंस माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो हीट भी कम जनरेट होगी, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है तो हीट भी क्या होगी, ज़्यादा जनरेट होगी। सिंस ये ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, दैट इज़ व्हाई यू विल फाइंड देम इन हाइबरनेटिंग मैमल्स। सो दे आर प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग मैमल्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज। हाइबरनेटिंग मैमल्स लाइक पोलर बियर्स, उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती, क्योंकि उनके अंदर कौन से वाला फैट है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू वाला है। छोटे बच्चे की बात करें, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, आप उसे बाहर ले जाओ ठंड में, ही इज़ नॉट गोइंग टू शिवर, वो नहीं कांपेगा। तुम लोग ठिठुरोगे बट ही विल नॉट शिवर, बिकॉज उसके पास अभी कौन सा टिश्यू है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू है, जो कि ज़्यादा हीट जनरेट करके रखता है। यस गाइस, ज़्यादा हीट जनरेट करके रखता है। सो दिस इज द रीजन, दैट इज वाई दे डू नॉट शिवर। हाँ जी, तो ये व्हाइट वाला कहाँ मिलेगा? व्हाइट वाला मिलेगा सबक्यूटेनियस लेयर में, सबक्यूटेनियस लेयर, स्किन के नीचे यानी कि, एंड अराउंड ऑर्गन्स, अराउंड वेस्ट्रल ऑर्गन्स।
बेटा कभी भी कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तुम हड़ताल पे चले जाओ, होता है ना कि आज लौकी बनी है मैं नहीं खाऊंगा, आज तोरी बनी है मैं नहीं खाऊंगा, तो ये सब्जियां तुम नहीं खाते हो, उस दिन तुम्हारी भूख हड़ताल चलती है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, नाराज हो गए खाना नहीं खा रहे हैं। तो जब खाना नहीं खाते हैं तो सबसे पहले जो एनर्जी कहाँ से बनेगी, तब भी जिंदा तो रहते हो ना, खाना नहीं खा रहे हो जिंदा रह रहे हो, कहाँ से? जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट है उससे एनर्जी बनाओगे। एक दिन हो गया खाना नहीं खाया, 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया, कार्बोहाइड्रेट तो खत्म हो जाएगा, है ना, कार्बोहाइड्रेट विल एंड। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा अगला टर्न किसका आएगा? फैट्स का। ये जो वाइट एडिपोज टिश्यू है इससे एनर्जी बन सकती है जरूरत पड़ने पर, कि जब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स खत्म हो गया तब आप इस वाइट वाले से एनर्जी बना सकते हो। लेकिन ये जो ब्राउन वाला है इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फूड। ये चीज याद रखना कि इससे एनर्जी नहीं बना सकते, इससे खाने की तरह नहीं ले सकते कि कार्बोहाइड्रेट के बाद इसको तोड़ने बैठेंगे। नो, इट कैन नॉट बी यूज्ड, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज फूड सब्स्टिट्यूट, फूड सब्स्टिट्यूट, राइट बेटा। तो ये है आपके मेजरली 2 टाइप्स ऑफ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोसाइट्स, व्हाइट एडिपोसाइट्स एंड ब्राउन एडिपोसाइट्स। चलिए आगे चलते हैं। सो बात हो गई आपके एडिपोज टिश्यू के, यू कैन सी ओवर हेयर कि किस तरीके से ये फैट ग्लोब्यूल है। सो दीज आर फैट ड्रॉपलेट्स, अभी जो आपने देखा था ना, दिस इज फैट ड्रॉपलेट। तो सेल उसका हो जाता है, सेल के अंदर अगर मैं न्यूक्लियस देखूंगी, न्यूक्लियस बेचारा कोने पे बैठा है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज गोइंग टू बी द न्यूक्लियस, एंड जो साइटोप्लाज्म है वो भी बेचारी बिल्कुल कोने पे, रिंग लाइक साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सिग्नेट रिंग लाइक साइटोप्लाज्म, सिग्नेट रिंग लाइक साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म भी ऐसे रिंग लाइक बना रही है क्योंकि बीच में सारी जगह तो कौन लेके बैठा है? फैट ग्लोब्यूल लेके बैठा है ना, यस yes? चलिए आगे चलते हैं। सो बात हो गई अपनी एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज साइट की, आगे बात करते हैं अपने डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ आप देख रहे हैं, सेकेंड वन इज गोइंग टू बी डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देख रहे हो? हाँ जी, डेंस रेगुलर में फाइबर्स आर अरेंज रेगुलरली, अगर मैं इधर लिखूं, सो हियर फाइबर्स they are arranged regularly, regularly means orientation बिल्कुल सही है, इस तरीके से। अगर fibers ऐसे हैं तो बीच में क्या होंगे, इसी shape में आपके cells होंगे, then आ जाएंगे fibers and then आपके क्या आ जाएंगे, cells आ जाएंगे, ठीक है, then आपके क्या आ जाएंगे, cells आ जाएंगे। so this is how the pattern of dense regular connective tissue। अगर dense irregular देखेंगे तो फाइबर्स बेटा ऊपर नीचे आगे पीछे और बीच में क्या हो जाएंगे, आपके सेल्स हो जाएंगे, ठीक है, बीच में क्या हो जाएंगे आपके सेल्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बातें बंद करोगे कि नहीं करोगे? सवाल पूछ ले तुमसे बीच में, हैं, एक सवाल ही पूछ लेते हैं तभी तुम बिल्कुल उसमें आ जाओगे, करोगे बातें कि नहीं कम करोगे? सेजल बेटा अब आपकी इच्छा है, आप कहाँ जाना चाहते हो, मैं रोक नहीं सकती ना किसी को, और मुझे रोकना चाहिए भी नहीं, आपको जो पढ़ना है, आपको जो लाइव देखना है आप वो लाइव देखिए, है ना, मैं क्या बेटा बंगाली बोल रही हूँ, हैं, हिंदी में ही तो है माधुरी, ये दीज लेक्चर्स आर इंग्लिश, मुझे हिंदी भी नहीं बोलना चाहिए, दिस इज़ बेसिकली इंग्लिश, आपको हिंदी भी मिलेगी, हिंदी स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, इंग्लिश स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, इंग्लिश वालों को हिंदी तो आती होती है ना, और हिंदी वाले बच्चे भी इंग्लिश इतना जितना मैं बोलती हूँ, आई ट्राई टू रिमेन बोथ द लैंग्वेजेस एज अ मोड ऑफ मीडियम, ताकि आप दोनों मीडियम वाले बच्चे मेरे से अंडरस्टैंड कर पाए, है ना। रुक जाओ, तुम्हारे से फिर पहले सवाल ही पूछ लिया जाए, है ना, बीच में तुमसे सवाल ही पूछ लिया जाए, just a second, let me just put a question for you, okay, haan ji, yes, give the answer, acha abhi tumne kiya nahi hai na, beech mein ek nahi kiya hua,
बाकी तुम पहचान लोगे। हाँ जी, ए पढ़ा हुआ है, बी पढ़ा हुआ है, सी पढ़ा हुआ है, डी डी तो चाहे नहीं आता तो इट्स ओके, बट ए बी सी तुम्हें पता है, पढ़ चुके हो, मैच करिए। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी, दिख रहा है ना? इन्फेंट स्टेज पे रहता है पल्लवी, इन्फेंट स्टेज पे रहता है, लेटर ऑन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ब्राउन वन, अ वाइट वन। हाँ जी बताइए बताइए बताइए, मैच करिए। फोर स्केचेस आर गिवन, स्मूथ मसल, कॉलमनार, ग्लैंडुलर, कोलेजन फाइबर्स, यू हैव टू मैच इट विद द लोकेशन एंड द फंक्शन। ये क्या है, इन तीनों में से ये क्या है, पहचान लोगे? ए इज गोइंग टू बी योर, हाँ जी, विच वन इज करेक्ट? क्या डी आपकी स्मूथ मसल है? गलत है बेटा, डी स्मूथ मसल नहीं है। क्या ए आपका कॉलमनार है? कॉलमनार नेफ्रॉन में नहीं होता। ओहो, बैक जाते हैं। यस, क्या सी आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम है? कोलाजन फाइबर्स हैं, कार्टिलेज, नो। बी इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इंटेस्टाइन सेक्रेशन, ए की सही है। यस, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी, करेक्ट आंसर बेटा जी इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बट यही सही है ना, सिर्फ यही सही है। चलो यार आगे आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमने एरियोलर और एडिपोज कर लिया है, आगे चलते हैं बेटा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके का है, सबसे पहले आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। अब यहां पर लड़कों की मुझे बड़ी मदद चाहिए, क्योंकि लड़कों को बड़ा शौक रहता है किसका, बॉडी बनाने का। तो यहाँ पर जो तुम्हारी नॉलेज है ना बॉडी बनाने वाली, सारी वो नॉलेज काम आएगी। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज टेंडन्स, टेंडन्स, एंड अदर वन इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन एंड लिगामेंट। हाँ जी, कहाँ है लड़के अपनी क्लास के, है ना, सब है। चलो जी, तुम्हें बड़ा शौक है जिम जाने का, बड़े होके मैं भी बॉडी बनाऊंगा, मैं भी जिम जाऊंगा। तो बेटा जिम जाओगे तो नॉलेज तुम्हारे पास होनी चाहिए, जिम में जाके क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग करोगे तुम, है ना? यू विल वर्क ऑन योर मसल, आप ऐसी डाइट लेंगे जो आपकी मसल्स के सेल को ग्रो करने में हेल्प करें। तो ये आपकी बोन है, बोन के पास ही क्या प्रेजेंट होगा, मसल होगा, है ना? ये आपका मसल है, सो दिस इज योर मसल, है ना? हाँ जी, है मसल वाले लड़के आ गए, क्या बात है। अपनी जो फेवरेट इमोजी है वो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठती है, ये वाली। तो टेंडन्स बेटा, इट इज दैट काइंड ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू विच इज गोइंग टू जॉइन मसल विद बोन। ये देख रहे हो, मसल को बोन से जोड़ने वाला टिश्यू, दिस इज जस्ट अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मसल को बोन से जोड़ने वाला टिश्यू क्या कहलाता है, टेंडन्स कहलाते हैं, ठीक है? और बोन टू बोन ज्वाइन करने वाला टिश्यू, बोन टू बोन बेटा ज्वाइन करने वाला टिश्यू कहलाता है लिगामेंट। ये इमेज हमेशा याद रखना कि तुम लोग जिम में किस पे काम करने जा रहे हो, मसल्स पे काम करने जा रहे हो। क्या मसल अपनी जगह छोड़ती है, जरा सोचो। यहाँ पे तुम्हारे बाइसेप्स है, ये ऊपर मसल है, नीचे मसल है, नीचे ट्राइसेप्स है, ये जो मसल्स हैं क्या उठ के यहाँ से आती है? क्या उस मसल को ऐसे खींच के तुम फ्लेक्सिबिलिटी से देख सकते हो? नहीं देख सकते। दैट मीन्स ये जो मसल के और बोन की अटैचमेंट पॉइंट है, अटैचमेंट पॉइंट यानी कि टेंडन है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना? इट कनेक्ट्स सबसे पहली चीज मसल टू बोन। दूसरी चीज बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है यहाँ पर वाइट कोलेजन फाइबर ज्यादा है। इट हैज गॉट अबंडेंट वाइट कोलेजन फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे यहाँ पर। यहाँ पर कौन से फाइबर्स होंगे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं? टेंडन ज्यादा स्ट्रांग है, टेंडन की वजह से मसल अपनी जगह से हिलती नहीं है। ऐसा तो नहीं होता वो ऐसे डंबल कर रहे हैं, बेंच मार रहे हैं और ये मसल उठ के आ जाए, नहीं आएगी ना। दूसरी चीज बेटा, लिगामेंट किसको किससे कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट इज गोइंग टू कनेक्ट बोन टू बोन, है ना? इट इज गोइंग टू कनेक्ट बोन टू बोन।
अब बोन और बोन के बीच में देखो यार मूवमेंट तो है ही ना. मोस्ट ऑफ द लॉन्ग बोन्स दे आर जॉइंट बाय साइनोवियल जॉइंट्स जिसमें प्रॉपर आप मूवमेंट देख रहे हो. दैट मींस यहां पर आपके पास येलो इलास्टिक फाइबर्स ज्यादा हैं. येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या हैं? ज्यादा हैं. लेकिन थोड़ी बहुत तो स्ट्रेंथ है ही. व्हाइट कोलेजन फाइबर्स लेस हैं. व्हाइट कोलेजन फाइबर्स भी होंगे लेकिन लेस होंगे. ये बात समझ आई. तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है? अगर देखा जाए स्ट्रेंथ किसके पास है, टेंडन्स के पास क्या प्रेजेंट है? स्ट्रेंथ प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा ये चीज मूव नहीं करती है, वो मसल को जोड़ के रखेंगे आपकी बोन से. लिगामेंट्स के पास क्या प्रेजेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है. सिंस इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है इसीलिए येलो इलास्टिक फाइबर्स है. इसके पास क्या है? स्ट्रेंथ है इसीलिए क्या है? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स है. राइट, चलिए आगे चलते हैं. ये बात हो गई आपके डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की. अब आते हैं डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लेट मी जस्ट गो बैक. घबराओ नहीं, ये सब कल करेंगे है ना. आ जाइए. सो डेंस कनेक्टिव हो गया, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर पैटर्न हो गया. यहां पर आप देखेंगे दीज आर द टेंडन्स. कैन यू सी? टेंडन्स दिख रहे हैं. एंड यहां पर बोन टू बोन के बीच में क्या दिख रहे हैं आपको? लिगामेंट्स दिख रहे हैं. ठीक है, लिगामेंट्स दिख रहे हैं. देन आता है आपके सामने डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इररेगुलर फाइबर्स कहीं और हैं, सेल्स का ओरिएंटेशन कहीं और है. ओरिएंटेशन इज नॉट सेम. दैट मीन्स देयर इज इररेगुलरिटी इन द पैटर्न ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड द फाइबर्स. सेल्स का ओरिएंटेशन कुछ और है, फाइबर्स का ओरिएंटेशन कुछ और है. कहाँ मिलते हैं? दीज आर सीन इन योर स्किन. वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे पूछा जाता है डेंस इररेगुलर कहाँ मिलेंगे? स्किन में मिलेंगे. सो विद दिस वी आर डन विद द डेंस रेगुलर एज वेल एज डेंस इररेगुलर फाइबर्स. ठीक है, यस. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिखता है डेंस इररेगुलर. डीप डर्मिस स्किन में नीचे बिल्कुल डीपली आपको कौन सा टिश्यू मिलता है? डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है. आगे आता है बेटा जी आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. हाँ जी, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव. थोड़ा सा डिटेल बता दूं, हैं बुरा तो नहीं मानोगे? थोड़ा सा बेटा जी डिटेल बता दिया जाए आपको. यस, स्टार्टिंग विद द स्पेशलाइज्ड टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्टिलेज के बारे में. देन वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द बोन. स्पेशलाइज्ड में आप बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में क्या पढ़ेंगे? ब्लड एंड लिम्फ. ठीक है, ये चार टिश्यू ऐसे हैं जो कि स्पेशलाइज्ड में आते हैं. ये बॉडी का बनाते हैं एंडोस्केलेटन, इसीलिए इसको बोला जाता है, इसीलिए बेटा इसको बोला जाता है दैट टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू विच इज स्केलेटन. और ये क्या है? फ्लूइड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. यस, तो सबसे पहले बेटा जी हमने स्टार्ट करने हैं कार्टिलेज से. ठीक है, कार्टिलेज से कर लें. आज करोगे कल करोगे? अच्छा अच्छा, अच्छे से याद नहीं हो तब बच्चों को स्लो चाहते हैं. बेटा जी हमने कार्टिलेज के बारे में करना है, देन हमने बोन के बारे में करना है, दोनों एक साथ करने हैं. तो ये फिर हम कर लेंगे कल, कोई बात नहीं. वेरियस काइंड ऑफ कार्टिलेज, देन टॉकिंग अबाउट बोन, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है बेटा हमने. अ लॉट टू स्टडी टुमारो. कल संडे है, कल संडे को मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है बेटा, है ना. टुमारो यू हैव टू कम एट द सेम टाइम. एक चीज़ और बतानी थी आपको कि क्वेश्चंस ये कार्टिलेज क्या अभी नहीं किया. दिस इज डन. ये भी नहीं हुआ. हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. दीज ऑल आर पी वाई क्यूज. आपके सामने जो मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ दीज आर पी वाई क्यूज. बेटा स्केलेटल और फ्लूइड वाला बचा वो हम कल करेंगे. चूज द करेक्टली मैच पेयर, बताओ फटाफट से. टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, करेक्ट बताना है. एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलो टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू. मेरे हर यूट्यूब सेशन के साथ बेटा आप देखोगे आपको डीपीपी इस तरीके से अटैच्ड मिलेगी. बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी और रिक्वेस्ट क्या मैं फर्स्ट सेशन से ही आपके साथ लेके आई थी. कल जो मैंने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ शेयर किया उसमें भी आपके पास क्वेश्चंस हैं.
चाहे वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर जितने ले पा रही हूँ ले पा रही हूँ, बाकी दे आर फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, दे आर फॉर योर प्रैक्टिस। क्या टेंडन्स एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है? स्पेशलाइज सिर्फ चार है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। एडिपोज टिश्यू क्या डेंस कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं बेटा, ये पतली दाल है, पतली दाल है एडिपोज और एरियोलर। एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू है? हाँ जी। कार्टिलेज क्या लूज कनेक्टिव टिश्यू है? नहीं, ये क्या है? स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आया क्लासिफिकेशन में से, फ्लो चार्ट बनाया था ना, उस क्लासिफिकेशन में से आपको क्वेश्चन आया है ऑन दिस कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन है। एम्स में बेटा ऐसे सवाल आते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल ऑफ, बताइए। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दे आर एग्जांपल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इररेगुलर, लूज कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। हाँ जी, क्या है ये? इररेगुलर तो एक ही जगह होते हैं, इररेगुलर आपको पता है कहाँ पर होते हैं? स्किन में होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, पतली दाल कौन सी है बेटा आपकी? एरियोलर है। और क्या है? एडिपोज है। स्पेशलाइज्ड आपको पता है बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ये भी एम्स का सवाल है जो पेपर में आ चुका है, जिसमें आपसे लेबलिंग पूछी। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। गिवन बिलो इज ए डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द एरियोलर टिश्यू, इन्होंने नाम नहीं दिया बट एरियोलर टिश्यू का स्केच है। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी सी डी, बताइए। ए क्या है? दिस इज ए, मैं यहाँ लिख देती हूँ रेड कलर से, आपको दिखेगा दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस इज डी, बताइए क्या है ए बी सी डी? हाँ जी, ए बी सी डी क्या है? बी से अंदाजा लगा सकते हो। बी क्या है? बी एक तरीके का सेल है जो सी रिलीज कर रहा है ना। अगर मैं बी को यहां पर ड्रॉ करूं, बी इज लुकिंग लाइक दिस, राइट, जिससे क्या निकल रहे हैं? ऐसे फाइबर्स निकल रहे हैं, है ना, इस तरीके से फाइबर्स निकल रहे हैं। तो ये एक फाइब्रोब्लास्ट होगा, फाइब्रोब्लास्ट होगा जो कि क्या रिलीज करेगा? फाइबर्स रिलीज करेगा। तो बी एक सेल है जिसका नाम है फाइब्रोब्लास्ट, जो कि क्या रिलीज कर रहा है? फाइबर्स रिलीज कर रहा है। आंसर आ गया, आंसर आ गया बेटा। देन सी इज गोइंग टू बी द मैक्रोफाजेस, कहाँ है सी? ओके, नो, ए इज गोइंग टू बी द मैक्रोफाजेस एंड डी इज गोइंग टू बी द मास्ट सेल, सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। तो दो आपने निकाल लिए, बाकी आप यहां से कर लेंगे। ओके, ब्लड एंड लिम्फ दे आर एग्जाम्पल ऑफ, बताइए। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए। ब्लड एंड लिम्फ दे आर एग्जाम्पल ऑफ। हर सेशन में बेटा इस तरीके से डीपीपी अटैच रहेगी, मैं बिना क्वेश्चंस के बात नहीं करती, अकेली थ्योरी बताने से कुछ नहीं होता अगर आप उसको अप्लाई ना कर पाए। ब्लड एंड लिम्फ बेटा फ्लूइड है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब दे आर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दीज ऑल आर पी वाई क्यूज। हाँ जी, नेक्स्ट, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ, क्या है? टेंडन्स एंड लिगामेंट दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ, यस दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ, दे आर स्पेशलाइज टाइप ऑफ बेटा फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, फाइबर्स है। टेंडन के अंदर व्हाइट कोलेजन फाइबर्स हैं, लिगामेंट के अंदर येलो वाले ज्यादा होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर्स, यस। ये हमने कल करना है, ये भी हमने कल करना है, बताइए। व्हाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन्स मल्टीलोक्युलर फैट, बाइलोक्युलर फैट, यूनिलोक्युलर फैट या एलोक्युलर फैट? कम ऑन गाइस, व्हाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन्स, हाँ जी, मिस्टर एक्सपोर्ट गेमर्स वो नहीं हो सकती है, हम बिलीव करते हैं सामने क्वेश्चन कराना। मैं तुम्हें मेंटी पे क्यों भेजूंगी, दो दो स्क्रीन लेके बैठोगे, व्हाई? दिस इज द बेस्ट वे। हाँ जी, व्हाइट एडिपोज टिश्यू हमने किया था, इट हैज गॉट अ सिंगल फैट ग्लोब्यूल, यहाँ पर एक सिंगल फैट ग्लोब्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस इज पुश टू द पेरीफ्री, सो इट इज यूनिलोक्युलर फैट सेल, ठीक है, ओके। इन ह्यूमंस कार्टिलेज कल करना है, ये भी ओके ओके, हाँ जी। ये कौन सा टिश्यू है? यस, गुड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का डायग्राम है। खैर, आप जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप मेरे से प्रॉमिस करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं। दिस इज विच काइंड ऑफ टिश्यू, इज इट डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर, एडिपोज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? हाँ जी, बताइए,
विच टाइप ऑफ टिश्यू इज दिस? क्या ये डेंस रेगुलर है, एडिपोज है, एरियोलर है, विच? बेटा दिस इज एन डायग्राम ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कहाँ मिलता है हमें? बीनीथ द स्किन. ये एरियोलर का डायग्राम. एडिपोज कहाँ है? कहाँ एडिपोज सेल्स दिख रहे हैं तुमको, है ना? बाकी बेटा मेरे साथ आप फ्री क्लासेस पे जुड़ सकते हैं. ये तो यूट्यूब क्लासेस थी. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी. फ्री क्लासेस है, क्योंकि ये तो जस्ट कुछ एग्जांपल्स हैं. मैं आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराती हूँ 100 क्वेश्चंस की, 50 क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट एवरी डे. तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए बेटा स्पेशल क्लासेस को. स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की ऐप पे होती है. नीचे मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्रोफाइल का लिंक मिलेगा. पहुंच जाओगे इस जगह पर, फॉलो जरूर कर लेना मुझे. फॉलो करोगे तभी आपको मेरी सारी फ्री क्लासेस, दे ऑल आर फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है. सारे पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जरूर ज्वाइन करिए. एंड यस, अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट बेटा हर संडे को, यानी कि कल भी होने वाला है. कल भी टेस्ट कितने बजे होगा आपका? 11 बजे. एवरी संडे टेस्ट होता है. कोड आप सबके सामने है, दैट इज गोइंग टू बी सीप लाइव कोड. इस टेस्ट में आपके पास सिर्फ 28 क्वेश्चंस आते हैं, 60 मिनट्स है. एंड इफ यू गेट अ रैंक बिटवीन 1 to 3, 1 year की नीट यूजी सब्सक्रिप्शन, 100% स्कॉलरशिप. देन 4 to 10th वालों को 75, देन 50, एंड देन 25% स्कॉलरशिप. तो इस तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती जाती है जितने आपके मार्क्स होंगे. एंड आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिल जाएगा मोर देन 10%. अब मैंने क्यों बोला यार मेधावी तो यू प्लस पे भी चल रहा है, YouTube पे भी चल रहा है, तो बच्चा प्लस पे क्यों जाए? क्योंकि बेटा तुम एक दिन आते हो YouTube पे, दूसरे दिन नहीं आते, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. आज के टाइम पे आपके साथ, आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है. आपके पास YouTube पे चल रहा है नीचे सजेशंस गेम्स के आ रहे हैं, YouTube चल रहा है नीचे सजेशंस ब्लॉग्स के आ रहे हैं, जो आपका फेवरेट ब्लॉगर है जिसको आप रोज़ देखते हो. तो ये डिस्ट्रैक्शंस ना हो, इसीलिए बच्चा लेता है एक रेगुलर कोर्स जिसमें एवरी डे क्लास होती है, जिसमें आपको रेज हैंड का ऑप्शन है, जिसमें आप मेरे से बात कर सकते हो, जिसमें आपको प्रॉपर PDF नोट्स वहीं पर मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक बुक मिलेगी PDF और एक हार्ड कॉपी में अनअकैडमी के मॉड्यूल्स मिलेंगे आइकॉनिक वालों को. प्लस वालों को भी मिलते हैं मॉड्यूल, लेकिन PDF फॉर्म में, इसलिए बच्चा प्लस लेता है. अदरवाइज टीचर को ही आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. सो यू कैन यूज द कोड वाइल टेकिंग प्लस. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीजें समझ आती है, इफ यू लाइक माई नोट्स, इफ यू लाइक माई माइंड मैप, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट बाई यूजिंग कोड सीप्लाइव. एंड आप आ जाएंगे मैम की डायरेक्ट गाइडेंस में. ऑब्वियसली ये कोड यूज करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा क्लास दिखेगा, नहीं बेटा, अनअकैडमी नेवर डज लाइक दिस. इससे आप किसी भी टीचर का क्लास देख सकते हैं. देर आर मोर देन 150 टीचर्स ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन नीट यूजी कैटेगरी. मैं तो एक कैटेगरी की बात करूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिससे पढ़ना चाहते हो ना बेटा उससे पढ़ सकते हो बाय अप्लाइंग दिस कोड. तो मेरा नाम है, आगे लगा देना है लाइव. एंड यस, फॉर नोट्स यू कैन गो टू माई टेलीग्राम, वहाँ पर आपको नोट्स का प्रॉपर PDF मिलेगा एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर. साथ ही में एक टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, जहाँ पर आपको सारे सेशंस का अपडेट मिलेगा, ठीक है? बाकी नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए. एवरी डे क्लास होगी, कल भी मिलेंगे 3 बजे. एंड वी विल कम्प्लीट द पोर्शन ऑफ बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ, एंड देन वी आर गोइंग टू कवर द होल चैप्टर बाय मंडे मस्कुलर एंड नर्वस भी हो जाएगा, ठीक? चलिए, कौन से टेस्ट का सिलेबस, कौन सा टेस्ट है, हैं? कौन सा टेस्ट हो रहा है? अच्छा हाँ, देयर इज अ टेस्ट ऑन 8th of October. आपको पता चल गया क्या? पता चल गया? अगर उस टेस्ट का पता चल गया तो बेटा मेधावी का जो टेस्ट हो रहा है, ओके पता चल गया, बताओ जरा. प्लस क्लासेस प्रियांशु मंडे से स्केड्यूल्ड है, जाके देख लो, मेधावी बैच में ऐड हो चुकी हैं. अच्छा, कॉम्बैट का सिलेबस, कॉम्बैट का सिलेबस के लिए बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉम्बैट का लिंक मिल गया. लिंक पे जाओगे सिलेबस मिल जाएगा. कॉम्बैट इज कम्प्लीटली NCERT बेस्ड. बेटा मैं खुद कॉम्बैट, आई एम वन ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर कॉम्बैट, सो आई नो कि इट इज़ NCERT बेस्ड. मैं आपको बता रही हूँ, तो आप NCERT उस सिलेबस की अच्छे से पढ़ के आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. बस एक चीज़ याद रखना, कॉम्बैट में एनरोल करते हुए आपसे कोड पूछा जाएगा, कोड ज़रूर से डाल दीजिएगा, दैट इज सीप लाइव. आपके लिए वो टेस्ट क्या हो जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके, चलिए मिलते हैं कल. कल हो सकता है मैं एक स्पेशल क्लास भी लूँ मॉर्निंग में, एपिथेलियल और कनेक्टिव के डाउट्स के लिए. अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मॉर्निंग में प्रॉबेबली आई विल टेक अराउंड टेक
क्लास एट अराउंड 12 or 12:30, तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम पे. बाकी तब तक के लिए यूट्यूब पे तो क्लास हो ही रही है. एवरीवन टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड डू रिवाइज इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी. राइट, बाय बाय.